अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जाहिर की है और एग्जिट पोल से एक दिशा एनडीए की सरकार बनने के लिए मिली है। धूमल ने दावा किया कि बीजेपी देश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। लोकसभा चुनावों के एग्जिट पोल पर पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने खुशी जाहिर की है और एग्जिट पोल से एक दिशा एनडीए की सरकार बनने के लिए भी मिली है। धूमल ने दावा किया है कि बीजेपी देश में भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। धूमल ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में हवा चलती है या सुनामी बनकर आती है, इसका पता 23 मई को ही चलेगा। धूमल ने दावा किया है कि प्रदेश के चारों सीटों को जीतेंगे और भारी बहुमत से चारों सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलेगी। हिमाचल में वोट प्रतिशतता बढ़ने पर धूमल ने कहा कि मतदाताओं के ज्यादा वोटिंग करने से लग रहा है कि जनता ने इस बार मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बनाया था। उन्होंने कहा कि इस बार नए मतदाताओं और महिलाओं ने सबसे ज्यादा मतदान किया है, जिससे बीजेपी को फायदा होगा। तो कुछ ट्रेंड एग्जिट पोल दिखा रहा है, इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता चुनाव प्रचार में कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर अपने दम पर बहुमत प्राप्त करेगी और एनडीए के साथ मिलकर 2/3 बहुमत होगा। कल के जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स दिखाए जा रहे हैं उनसे भी लगभग वही इंडिकेशंस मिल रही हैं। एक दिशा निश्चित तौर पर नज़र आ रही है कि एनडीए के पक्ष में हवा चल रही है। अब ये हवा की स्पीड से चलती है या सुनामी बन के वास्तविक परिणामों में सामने आती है, इस पर निर्भर करता है। लगता है भारी बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व होगा और देश विकास में तेज गति से आगे बढ़ेगा। निश्चित तौर पर हम प्रारंभ से कह रहे हैं कि चारों सीटें हम पहले भी जीते थे, अब भी जीतेंगे, इस बार ज़्यादा बहुमत के साथ जीतेंगे। तो जो भारी मतदान हुआ है वो भी इसी तरफ इंगित करता है कि इस बार लोगों ने दिल खोलकर और ज़्यादा समर्थन दिया है और भारी बहुमत के साथ चारों उम्मीदवार हमारे जीतेंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में हिमाचल का योगदान उनके माध्यम से होगा। महिला मतदाताओं ने और युवा नव जो मतदाता है उन्होंने भारी संख्या में मतदान किया है और उनमें अधिकतर संख्या भारी बहुमत के साथ वो मोदी जी को समर्थन दे रहे थे।